हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं आपको स्किन वाइटनिंग के लिए कॉफ़ी से एक बहुत ही बेहतरीन सा मिक्सचर बनाना बताऊंगी, जिसको आप अपनी स्किन पर, अपने फेस पर अप्लाई कर सकते हैं, अपनी गर्दन पर लगा सकते हैं, अपने हाथों पाँव पर लगा सकते हैं। इससे क्या होगा, आपका कलर काफ़ी अच्छा होगा, फेयर होगी आपकी स्किन। इसके अलावा हमारे जो चेहरे पर धब्बे होते हैं, स्याह धब्बे होते हैं अक्सर, अब क्योंकि गर्मियाँ शुरू हो गई हैं तो धूप की वजह से हमारी स्किन झलस जाती है या उसका कलर जो है काफ़ी डिम हो जाता है। आप अगर इस मिक्सर का इस्तेमाल करें, इससे आपका कलर काफ़ी फेयर होगा। इसके अलावा जो धब्बे होते हैं हमारे हाथों पाँव पर या चेहरे पर, वो भी ख़त्म होंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। इसमें हमने सिर्फ 3 चीज़ों का इस्तेमाल करना है जो कि बिल्कुल नेचुरल हैं और हमारी स्किन वाइटनिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। चलिए हम शुरू करते हैं। मैं आपको बताती हूँ किस तरह आप इसको घर में तैयार करेंगे और किस तरह से इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों, इस मिक्सर को तैयार करने के लिए सबसे पहली चीज़ जिसकी हमें ज़रूरत है वो है ये कॉफ़ी। कॉफ़ी आपने लेना है। कॉफ़ी हमारी स्किन वाइटनिंग के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है और ये बहुत ही बेहतरीन सा जो है वो नेचुरल इन्ग्रीडियंट है हमारी स्किन वाइटनिंग के लिए, जिसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें हम 1 टेबल स्पून जितना कॉफ़ी ऐड करेंगे। इसके अलावा जो दूसरी चीज़ हम इसमें ऐड करेंगे वो है हनी, यानी कि शहद। शहद कोशिश करें कि आप जो है वो प्योर यूज़ करें, क्योंकि प्योर शहद जो है, हनी जो है, वो हमारी स्किन के लिए ज़्यादा बेस्ट है। इससे हमारी स्किन मॉइस्चराइज भी होती है और उसका जो कलर है काफ़ी फेयर होता है। तो इसमें हम 1 टेबल स्पून हनी ऐड करेंगे। इसके अलावा दोस्तों, जो तीसरी चीज़ हम इसमें ऐड करने लगे हैं वो है ये लेमन। लेमन हमने हाफ़ यूज़ करना है। लेमन भी हमारे चेहरे पर जो एक्ने होते हैं वो भी ख़त्म करता है। इसके अलावा हमारी स्किन वाइटनिंग के लिए बहुत बेहतरीन है। इसमें हाफ लेमन ऐड करेंगे। अब आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि ये अच्छी तरह से जो हमारा मिक्सचर है वो रेडी हो जाए और सही तरह से मिक्स हो जाए। आप देख सकते हैं ये इस तरह का होगा, बिल्कुल ये रेडी है। अब आपने करना ये है कि सबसे पहले आपने अपने हाथों पाँव को वॉश कर लेना है, या फेस पर अगर आपने अप्लाई करना है तो आपने अपने फेस को वॉश करके अच्छी तरह से ड्राई कर लेना है। फिर आप इस मिक्सचर को अपने चेहरे पर या हाथों पाँव पर अप्लाई करेंगे। मैं को आपको अप्लाई करके दिखाती हूँ इस तरह से। फिर आपने रब करना है, ये देखें। फिर आप इसको रब करना है, अच्छी तरह से अपने चेहरे पर रब करना है। ये बहुत ही बेहतरीन से स्क्रब भी है एक तरह से। रब करने के बाद आपने तकरीबन जो है इसको 2 से 3 मिनट तक रब करना है। फिर आप इसको ऐसे ही लगा रहने देंगे। जब ये ड्राई हो जाए आफ्टर 10 मिनट्स या 15 मिनट्स, उसके बाद आपने अपने चेहरे को या हाथों पाँव को वॉश करना है। फर्स्ट एप्लीकेशन से ही आप देखेंगे कि आपकी जो स्किन है काफ़ी अच्छी हो जाएगी, सॉफ्ट हो जाएगी, उसका जो कलर है काफ़ी अच्छा होगा, जो हमारे चेहरे पर धब्बे होते हैं वो भी ख़त्म होंगे। आप इस मिक्सर को हफ्ते में 2 से 3 बार अप्लाई करके देखें, इंशाल्लाह आपको इससे बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। इस तरह से आपने इसको रब करना है। दोस्तों, इसको ज़रूर ट्राई करके देखें एंड मुझे बताएं आपको कैसा लगा ये मास्क, ये मिक्सचर। एंड थैंक यू सो मच। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें एंड मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।